चक्र ध्यान में आपका स्वागत है। चक्र ध्यान के चार चरण हैं। हर चरण अलग अलग तल पर काम करता है। पहला तल फिजिकल यानी शारीरिक, दूसरा तल मेंटल अर्थात मानसिक, तीसरा तल इमोशनल यानी भावनात्मक, चौथा तल स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक। आपके जीवन में इन चारों तल पर सुंदर बदलाव आएंगे। इस ध्यान को आप रोज सुबह 40 दिन से 3 महीने कर सकते हैं। अपनी आँखें बंद कर लें। चक्र ध्यान में पूरे भाव से अपने गुरु का स्मरण करें। परमात्मा का नाम लेते हुए गुरु का स्मरण करें। हाथ जोड़कर उसकी याद में ये पल बिताएं। अब हाथ हटा लें। दो तीन गहरी सांसें लें। अपनी आँखें बंद रखें। अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर लें। इस ध्यान को बैठकर ही करें। आंखें बंद करें और 2-3 गहरी सांसें लें। हर सांस और गहरी होती चली जा रही है। हर सांस के साथ आप गहरे विश्राम में जा रहे हैं। मन शांत हो रहा है। विचार शांत हो रहे हैं। मन और विचार खूब शांत हो गए हैं। खूब शांत हो गए हैं। धीरे धीरे विचार शून्यता ने घेर लिया है। धीरे धीरे मौन और शांति गहराती चली जा रही है। आप गहरी मौन और शांति में जा रहे हैं। आप खूब गहरी शांति में जा रहे हैं। आप खूब गहरी शांति में जाते चले जा रहे हैं। सब कुछ शांत हो गया है।
सब कुछ शांत और मौन हो गया है। हर आने वाली सांस आपको विश्राम में ले जा रही है। हर जाने वाली सांस गहरी और गहरी हो रही है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और प्रसन्नता छा रही है। आप बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क अलर्ट है। आपका मस्तिष्क अलर्ट है और मेरी बात को आप पूरी तरह से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपका मन पूरी तरह से मेरी आवाज पे केंद्रित है। आपका मन अब पूरी तरह से केवल मेरी आवाज पे केंद्रित है। अब हम इस ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब आप भाव से काम लेंगे, विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे। जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा रंगों का आपने भाव करना है। रीढ़ की हड्डी के अंत पर जहां पर हमारी टेल बोन होती है वहां पर आप भाव करें कि एक लाल रंग का फूल कहीं अंदर को है। भाव करें आपके मूलाधार चक्र पर एक लाल रंग का फूल है। यह आपके चक्र का रंग है। आपका मूलाधार लाल रंग का चक्र है। भाव करें, विजुलाइज करें, यह फूल खिल रहा है, खिलता चला जा रहा है और इसके आसपास लाल रंग की छटा बिखर रही है। लाल रंग की लालिमा इस चक्र के आसपास के ऑर्गन्स पर फैल रही है। आपका मूलाधार चक्र खुलता चला जा रहा है। आपका मूलाधार पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। आपका मूलाधार अब खूब सक्रिय और शक्तिशाली हो गया है।
अब धीरे धीरे और ऊपर की तरफ अपनी चेतना को लाते हुए ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग को विजुलाइज करेंगे। अब भाव करेंगे कि अंदर की तरफ आपका स्वाधिष्ठान चक्र नारंगी रंग का है। स्वाधिष्ठान चक्र पे नारंगी रंग का पुष्प खिल रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग नारंगी रंग का है और यहाँ यह फूल खिल रहा है, खिलता चला जा रहा है। भाव करेंगे कि इस नारंगी रंग की रोशनी से इस चक्र से जुड़े शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे ऑर्गन्स जगमगा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। यह स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह से सक्रिय होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। मेरा स्वाधिष्ठान चक्र खूब सक्रिय हो गया है, खूब सक्रिय हो गया है, खूब शक्तिशाली हो गया है। अब यह पूरी तरह से काम कर रहा है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को और ऊपर की तरफ लाते हुए नाभि से थोड़ा सा ऊपर की ओर मणिपुर चक्र पे अपनी चेतना को पूरी तरह से ले जाएं। मणिपुर चक्र पीले रंग का चक्र है। आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से खिल रहा है। यहाँ पर पीले रंग का पुष्प खिल रहा है और अपनी आभा से सारे अंगों को खूब स्वस्थ कर रहा है। आपका मणिपुर चक्र आसपास के अंगों को पूरी तरह से स्वस्थ और एनर्जाइज कर रहा है। यह चक्र खुलता चला जा रहा है। पुष्प की किरणें खूब सशक्त हो रही हैं। मणिपुर चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब धीरे धीरे और ऊपर अनाहत चक्र हृदय के बीचों बीच
अपनी चेतना को अनाहत चक्र पे ले आएं। भाव करें यहाँ पर हरे रंग का पुष्प खेल रहा है। आपका अनाहत चक्र हरे रंग का है और यहाँ पर स्थित हरे रंग का पुष्प खिलता चला जा रहा है, खिलता चला जा रहा है। इससे संबंधित सारे अंग, सारी कोशिकाएं खूब एनर्जाइज, खूब स्वस्थ हो रहे हैं। आपका हृदय चक्र एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सुंदर हो रहा है। अब धीरे धीरे और ऊपर की तरफ आते हुए गले के अंदर आपका विशुद्धि चक्र अपनी चेतना को गले पर ले आए, आसमानी नीले रंग के विशुद्धि चक्र पे ले आए। यह चक्र खूब सक्रिय हो रहा है। यहाँ पर आसमानी नीले रंग की आभा फैल रही है। गले के चक्र से संबंधित बाकी सारे ऑर्गन्स, सारे अंग खूब स्वस्थ हो रहे हैं, खूब ऊर्जान्वित हो रहे हैं। नीले रंग का पुष्प खिलता चला जा रहा है, खिलता चला जा रहा है, खिलता चला जा रहा है। खूब सुंदर आसमानी नीले रंग की आभा फैल रही है। मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अब आप अपनी चेतना को और ऊपर की तरफ लाते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ले आए। दोनों भावों के बीचों बीच जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वह जगह आज्ञा चक्र है। इस पर भाव करें, गहरा नीला या जामनी सा रंग जिसको इंडिगो कलर कहते हैं, इस चक्र का कलर गहरा जामनी या खूब गहरा नीला है। भाव करें कि भीतर ही भीतर यह चक्र खुलता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है। इसकी आभा आसपास के अंगों में फैल रही है और उन अंगों को ऊर्जान्वित कर रही है। नीले रंग का यह फूल खूब सुंदर तरीके से खुल गया है। मेरे आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है।
अब अपनी चेतना को और ऊपर लाते हुए सहस्त्रार पे ले आए। यहाँ पर वायलेट कलर जो कि लगभग पिंक से एक शेड डार्क होता है उसको विजुलाइज करें, उसका भाव करें कि यह वायलेट कलर का पुष्प खिल रहा है। मेरा सहस्त्रार सक्रिय हो रहा है, मेरा सहस्रार खिलता चला जा रहा है, खिलता चला जा रहा है, खिलता चला जा रहा है, खिलता ही चला जा रहा है। अब मेरे सारे चक्र सक्रिय हो गए हैं। अब हम अगले चरण में चलते हुए ध्वनि से अपने चक्रों को एक्टिवेट और सक्रिय करेंगे। हर चक्र की अलग अलग ध्वनि होती है। हर ध्वनि की चोट से चक्र फैलता है और आपकी एनर्जी फील को बढ़ाता है। मेरे पीछे पीछे हर चक्र की ध्वनि को आप दोहराते चले जाएंगे। सबसे पहले अपनी चेतना को मूलाधार पे लाएंगे। मूलाधार पे लम की ध्वनि करेंगे। लम 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 की ध्वनि करते करते इस चोट को मूलाधार पे महसूस करेंगे। लम अब धीरे धीरे ऊपर की ओर स्वाधिष्ठान पर आए। स्वाधिष्ठान की ध्वनि है वम। अब वम की चोट को स्वाधिष्ठान पर महसूस करें। वम वम फिर से ऊपर आते हुए मणिपुर पर रम की ध्वनि की चोट का भाव करें, एहसास करें। मणिपुर की ध्वनि है रम। रम 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 की ध्वनि को मणिपुर पर चोट करता हुआ महसूस करें। अब और ऊपर आते हुए अनाहत या हृदय चक्र, इसकी ध्वनि है यम। अब यम की चोट को हृदय चक्र पर महसूस करें। यम यम यम
यम की चोट हृदय चक्र पर पड़ रही है। अब धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पर आएं, गले के चक्र पर आएं। यहाँ की ध्वनि है हम। अब हम की ध्वनि करेंगे। हम हम की ध्वनि करते रहें। हम हम अब और ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पे अपनी चेतना को ले आएं। यहाँ की ध्वनि है ओम। धीरे धीरे सबसे ऊपर सहस्त्रार पर, यहाँ पर उस परम पिता परमेश्वर को सुने। यहाँ सब कुछ शांत और मौन है। अब मैं मौन हो जाऊंगी और आपने सब ध्वनियों को सुनना है, उस संगीत को सुने। अब हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे। अब आप फिर से अपनी चेतना को मूलाधार पर ले जाएं। आपका मूलाधार भौतिक इच्छाओं का चक्र है। यह भौतिक आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा और मकान की हैं। अब आप मेरे पीछे पीछे तीन बार दोहराएं, मैं भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हूँ। मैं भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हूँ। मैं भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हूँ। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर से स्वाधिष्ठान पर ले आए। यह कामेच्छा का केंद्र है। यहाँ पर आप दोहराएं, मैं कामेच्छा से पूरी तरह पूर्ण हूँ। मेरी कामेच्छा पूरी तरह से पूर्ण है। मेरी कामेच्छा पूरी तरह से पूर्ण है। अब मणिपुर चक्र, यह हमारा सिक्योरिटी का चक्र है। मेरे पीछे पीछे दोहराएं, मैं भय मुक्त हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं सेफ और सिक्योर हूँ। मैं भय मुक्त हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं सेफ और सिक्योर हूँ। मैं भय मुक्त हूँ।
मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सेफ और सिक्योर हूँ। अब और ऊपर की ओर आते हुए अनाहत चक्र, आपका हृदय का चक्र, यह भावनाओं का चक्र है। मैं सबसे प्रेम पूर्ण हूँ, वह मुझे सबसे प्रेम मिल रहा है। मैं सबसे प्रेम पूर्ण हूँ, वह मुझे सबसे प्रेम मिल रहा है। मैं सबसे प्रेम पूर्ण हूँ, वह मुझे सबसे प्रेम मिल रहा है। अब हम और ऊपर आते हुए विशुद्धि चक्र पर चेतना को ले जाएंगे। विशुद्धि चक्र पर चेतना को लाते हुए बोलें, मेरे मित्र परिवार सब मुझसे प्रेम करते हैं। मैं रचनात्मक, क्रिएटिव और फुलफिल्ड हूँ। मैं रचनात्मक, क्रिएटिव और फुलफिल्ड हूँ। मैं रचनात्मक, क्रिएटिव और फुलफिल्ड हूँ। छठा चक्र हमारा भावों के बीच आज्ञा चक्र, यहाँ पर चेतना को लाते हुए कहें, मेरी सारी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो गई है। समाज में मेरी प्रतिष्ठा है। मैं प्रज्ञावान और संकल्पवान हूँ। मेरी सारी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो गई है। मेरी समाज में प्रतिष्ठा है। मैं प्रज्ञावान और संकल्पवान हूँ। मेरी सारी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है। मेरी समाज में प्रतिष्ठा है। मैं प्रज्ञावान और संकल्पवान हूँ। अब हम सातवें चक्र पर आते हैं, सबसे ऊपर वाला चक्र, आध्यात्मिक चक्र। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा हूँ। मैं परमात्मा का प्रकाश रूप हूँ। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं एक दिव्य ऊर्जा हूँ। मैं परमात्मा का प्रकाश रूप हूँ। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं एक दिव्य ऊर्जा हूँ। मैं परमात्मा का प्रकाश रूप हूँ। स्वयं को दिव्य प्रकाश के रूप में देखें। अब मैं पाँच से एक गिनूंगी। पाँच से एक की गिनती पर आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। पाँच, चार, बाहर आते हुए तीन, और बाहर आते हुए दो और एक। अब धीरे धीरे दो तीन गहरी सांसें लें। हाथ और पांव की उंगलियों